हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट बच्चों. हाउ इज एवरीवन डूइंग? वेलकम टू द न्यू वीक. टुडे इज मंडे. सबसे पहले तो हैप्पी मंडे. आज इस हैप्पी मंडे पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, विच इज वेरी शॉर्ट चैप्टर, विच इज इम्पॉर्टेंट. एंड सबसे बेस्ट चीज़ इसकी पता क्या? सबसे बेस्ट चीज़ इसमें तो एनसीईआरटी से बाहर कहीं आता ही नहीं है. यस, इट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर. एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है और जितने क्वेश्चन पास्ट में आए हैं वो यहीं से आए हैं. नाउ दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है, जिसमें इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट हम ऑलरेडी सबसे पहले कर चुके हैं, मंथन का जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, दैट इज एनिमल टिश्यूज. आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. और कौन सा एनिमल टेक ओवर करेंगे? दैट इज कॉकरोच. अब आप पूछोगे कि मैम एनसीईआरटी में तो फ्रॉग भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो अर्थवर्म भी दिया हुआ है. बेटा एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है लेकिन आपके नीट के सिलेबस में वो लिखा हुआ नहीं आता है. बट Nevertheless, डिटेल में हम लोग कॉकरोच करेंगे जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. When we will be done with 11th, when we will be done with 12th, तब बेटा हम दो दिन लगाकर एनसीईआरटी अर्थवर्म और फ्रॉग की भी जरूर पढ़ेंगे, बिना पढ़े नहीं जाएंगे. बट पूछा किसके बारे में जाता है? कॉकरोच, क्योंकि सिलेबस में क्या है आपका? कॉकरोच ही है. अर्थवर्म और फ्रॉग कंप्लीट सिलेबस के बाद वी विल रीड इट. यस बेटा, तो अब मत पूछना मैम फ्रॉग अर्थवर्म कब करेंगे. बच्चे जब आपका बायोटेक हो जाएगा ना उसके बाद करेंगे, पूरा सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. जो जो बच्चे लेट हो गए हैं आ जाइए, अभी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं. जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माई सेल्फ सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. मैम ने बीएससी, एमएससी, बीएड, गेट सब कर रखा है एंड आई हैव experience with leading coaching institutes and I have produced many many ranks. इस बारे भी मुझे अपने प्लस वाले बच्चों में से एक दो रैंक अच्छे वाले मिलने ही वाले हैं, पक्के से मिलने वाले हैं. एक दो तो मतलब मैं अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले, सिलेक्शन बहुतों का होगा. और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो क्वेश्चन आता है कि अगर इस टाइम पर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या नीट क्रैक कर सकते हैं? हाँ जी, ये किस किस का सवाल है कि मैम इफ आई स्टार्ट टुडे देन कैन आई क्रैक नीट 2021? तो ये सवाल जिसका है बच्चे, मैं तो बोलूंगी नथिंग इज इम्पॉसिबल. बट जो इस टाइम पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी. इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, करना चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो. आई हैव सीन सर्टेन एग्जाम्पल्स इन द पास्ट, जिन्होंने बच्चे पिछले नीट में 300 नंबर लिए थे, 250 नंबर लिए थे और अगले नीट में 650, 670 के साथ दे आर इन गुड मेडिकल कॉलेजेस. तो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, नॉलेज गेन इज पॉसिबल. इट इज जस्ट ऑन योर विल कि तुम लोग कितना लेना चाहते हो. तो कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट निकले जिन्होंने ले लिया है, बाकी बच्चे भी सोच रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी नीट एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फ्री क्रैश कोर्स मिल रहा है और एक स्ट्रक्चर वे में मिल रहा है. और बच्चे पूरा प्लान हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस टाइम पे क्या करना है, कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चलेगा. और इनफैक्ट आपको पता है कि यहीं पर आपका एक तरीके से एवरी वीक टेस्ट होता है. होता है कि नहीं? बाकी जगह आप देखते हो शुरू होते हैं फिर बंद हो जाते हैं, यहां ऐसा ना हुआ है ना ही ऐसा होगा. आने वाले टाइम पे आपको एवरी वीक सैटरडे मंथन का टेस्ट फिक्स है, तो मंथन का टेस्ट होगा. हर सैटरडे आपका मंथन का टेस्ट का डिस्कशन फिक्स है, वो होगा. हर सैटरडे आपकी एनसीईआरटी रीडिंग जो फिक्स है, जो हम यहाँ पर करते हैं वो होगा. तो इट इज़ अ डेडिकेशन ऑफ होल ऑफ आवर टीम. ये मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे चैनल का है, ये मेरी पूरी टीम का डेडिकेशन है कि इस बारी हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे जैसे लास्ट किया था, और लास्ट टाइम से डबल करके दिखाएंगे. आपने अनअकैडमी का जेई मेंस का रिजल्ट तो देखा ही होगा, है ना? इतने सारे मतलब पेज छोटा पड़ गया हमें बच्चों की फोटो लगाते हुए. वैसा ही हालत होने वाला है अनअकैडमी नीट का, नीट 2021 का रिजल्ट. ओके, हाँ जी. तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्या यहाँ पर डीपीपी मिलती है? बिल्कुल मिलती है. कब कब मिलती है? एवरी डे मिलती है. यस, यू गेट क्वेश्चंस एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ डेली प्रैक्टिस पेपर ओनली ऑन दिस कोर्स, और कहीं नहीं मिलती है. यस, एवरी डे यहाँ पर डीपीपी मिलती है. टेलीग्राम चैनल का लिंक नोट कर लो, इसी चैनल पर मिलती है, दैट इज t.me/unacademyneet_official. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना. एंड बेटा प्लस की जैसे मैं बात कर रही थी कि मुझे
मतलब 100% हो गया है, उन बच्चों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आई नो दैट दे आर गोइंग टू क्रैक इट विद फ्लाइंग कलर्स. अभी भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि आपके रिविजन कोर्सेज चलेंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज चलेंगे, क्रैश कोर्सेज चलेंगे, वन शॉट्स चलेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स दोबारा से कवर किए जाएंगे. और एक बेनिफिट प्लस का लेने का अभी ये है बिकॉज लॉट्स ऑफ बैचेस दे आर गोइंग टू स्टार्ट. इनफैक्ट 2023 के लिए भी आपका अर्ली नर्चर बैच इज स्टार्टिंग. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 26 मार्च को 2 से 5 बजे तक. 2021 के लिए बच्चों टाइम नोट कर लो, 2 to 5 PM 26th of March. अभी क्या आपकी प्लस की सब्सक्रिप्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बेटा अगर आप अभी ले लोगे ना तो आपको सिर्फ कितने टाइम का लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ कितने टाइम का लेना पड़ेगा, ओनली 3 मंथ का लेना पड़ेगा. क्योंकि जो बम्पर ऑफर है उसमें क्या चल रहा है, 3 मंथ का लेंगे तो आपको सपोर्ट कब तक मिलेगा, 31st of July. और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है तो इसीलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ. और आप सोचोगे मैम क्यों बता रही हैं हर क्लास में, क्योंकि बच्चे हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर नया होता है जिसको नहीं पता होता है इसके बारे में, जो शायद कभी प्लान कर रहा था बट मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन ही यू नो ड्रॉप दैट थिंग. बट यहाँ पर अब आपके पास एक मौका है कुछ ही दिनों के लिए. कल बच्चों ने वैसे ऑफर अवेल कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने, ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है तो आप ले सकते हैं. 3 मंथ्स का लेंगे लेकिन सपोर्ट मिलेगा 31st of July आपके एग्जाम से 1 दिन रात को 12 बजे तक. Yes, 1 दिन पहले तक. ओके, सो फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे बहुत सारी चल रही है, हमारी मंथन की फ्री टेस्ट सीरीज. थोड़ा गड़बड़ है बेटा. ओके, यहाँ पर आएगा सैटरडे. ओके, कब होती है हमारी मंथन की टेस्ट, सैटरडे होती है. क्या टाइमिंग रहते हैं अपने, 3 to 6 PM, ठीक है, दोपहर में करते हैं. और हमने जान के टाइम चूज किया है क्योंकि इसी टाइम पे तुम्हारा पेपर होता है 2 to 5, तो तुमको उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव रहना है. तो ये जो टाइम चल रहा है ना, आई नो गर्मियां हैं, थोड़ा सा तुम्हें स्लीपी फील होता है, बट उसी फीलिंग को हमें खत्म करना है. इस टाइम पर हमें अपने आप को मोस्ट 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 प्रोडक्टिव रखना है. तो आपका टेस्ट भी इसी टाइम है और बायो की क्लासेस भी आपकी इसी टाइम पे होती है, राइट. चलिए आ जाइए कॉम्बैट पे. कॉम्बैट आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, एवरी संडे होता है सुबह 11 बजे, आप लोग एनरोल कर सकते हैं. यस बेटा, चलिए आ जाइए. चलिए लेट अस स्टार्ट. ये आपका मंथन का स्केड्यूल है जिसमें आपको पता है कि 30th of April को यू विल बी डन. स्टार्ट करते हैं कॉकरोच से. हाँ जी भाई, किस किस को कॉकरोच पसंद है, हाँ बताओ, किस किस ने देखा है. देखा तो यार सबने है ना, देखा तो यार सबने है, राइट. सो स्टार्टिंग विद वन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉकरोच. आज हम क्या क्या कवर करेंगे, आज हम उसको बाहर से देखेंगे थोड़ा सा, है ना, द आउटर अपीयरेंस, द मॉर्फोलॉजी, देन वी मे ऑल्सो टॉक अबाउट वन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. टाइम लगा तो हम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा समय नहीं लगता, छोटा ऑर्गेनिज्म है ना, इसको पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और मज़ा भी खूब आएगा. शुड वी स्टार्ट, देखे बहुत मारे भी हैं बच्चों, पाप चढ़ेगा, मारा मत करो इनको, ठीक है, भगा दिया करो. लेकिन ये जितने छोटे हैं ना उतने डरावने भी हैं. आपने देखा होगा जब तक तो कॉकरोच चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अचानक से वो उड़ने लगता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि यार कॉकरोच भी उड़ेगा, तो जब वो उड़ने लगता है तब आपकी हार्ट बीट होती होगी तेज, है ना, तब तेज होती होगी हार्ट बीट जब वो उड़ने लगता है. चलिए आ जाइए. सो स्टार्टिंग विद कॉकरोच. हाँ जी, क्या नाम है भाई का, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. हाँ जी, चलिए कौन सा किंगडम है बताते जाओ, क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन सा किंगडम है भाई, जुअलॉजी पढ़ रहे हो, कौन सा किंगडम पढ़ोगे. द किंगडम इज गोइंग टू बी एनिमेलिया. ओके, किंगडम के बाद क्या आता है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप फिशेस क्लीन और कीप पॉन्ड क्लीन और फिशेस विल गेट सिक, है ना. तो ये क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो इसका भी किंगडम. नेक्स्ट आता है अपना फाइलम. फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट बिलोंग्स टू लार्जेस्ट फाइलम. कौन सा है अपना, ऑर्थ्रोपोडा. द फाइलम इज गोइंग टू बी ऑर्थ्रोपोडा, किंगडम, फाइलम. अगला क्या रहेगा बच्चों, क्लास. इट बिलोंग्स टू द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम. इसकी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है बेटा, इंसेक्टा. कौन सी, इंसेक्टा. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना. अगला क्या आएगा आपका, ऑर्डर आएगा, राइट. ऑर्डर कौन सा है, डिक्टियोप्टेरा. यस, कौन सा ऑर्डर है, डिक्टियोप्टेरा.
राइट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली फैमिलीज ब्लैटिडे जीनस स्पीशीज तो पता ही है जीनस पेरीप्लैनेटा स्पीशी अमेरिकेना तो ये हो गया इसका बायोनोमियल नॉमनक्लेचर एंड दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कॉकरोच. अब हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर कि कैसा एनिमल है क्या नेचर है भाई की किस टाइम पर एक्टिव रहता है ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज हाउ कॉकरोच लुक्स लाइक. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉर्फोलॉजी किस रंग का दिख रहा है बच्चों किस रंग का दिख रहा है स्टार्टिंग विद द कलर. ओके गाइज टेल मी अबाउट द कलर ऑफ द कॉकरोच किस कलर का होता है जनरली इट इज रेडिश ब्राउन है ना वैसा ही बना हुआ है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर बट कई बारी कॉकरोच आपको थोड़े येलोइश से भी मिल जाते हैं. एक बार एक बच्चे ने मुझे यू नो यही आपका जो डाउट सेशन होता है स्पेशल क्लास में उसमें एक बहुत ही डरावने कॉकरोच की पिक भेजी थी इट वॉज ग्रेइश येलोइश काइंड ऑफ कलर. यूजुअली इट इज ब्राउन और ब्लैक ओनली बट थोड़ा आपको येलो कलर भी यहाँ पर मिल सकता है. सो कलर इज गोइंग टू बी रेडिश ब्राउन. और बताओ बच्चों साइज हाँ जी कितने इंच का है जब इंची टेप लेके जाओगे मापते हो तो कितने इंच का कॉकरोच दिखता है भाई 1/4 inch से लेकर 3 inches तक हो सकता है. ठीक है 1/4 to 3 inches mm में देखोगे तो 34 to 53 mm इतना तक आपका साइज जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द कॉकरोच द नेचर ऑफ द कॉकरोच. अब कॉकरोच पैरों पे चलने वाला आदमी एनिमल है राइट इसके पास लेग्स भी हैं विंग्स तो हैं ही हैं लेग्स भी हैं और ये बड़ी तेजी से दौड़ता भी है. तुम पीछे पीछे चप्पल लेके दौड़ते हो वो तुम्हारे आगे आगे बहुत आगे तक अपने सुरंग में अपने होल में जाकर छुप जाता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ रनिंग एनिमल जो रन करता है. ठीक है इट रन्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग्स. यस सो दैट नेचर इज कॉल्ड एज कर्सोरियल नेचर. क्या बोलते हैं उसको कर्सोरियल नेचर. दूसरी चीज बच्चों ये किस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होता है इसकी आईज ही इस टाइप की हैं दैट इट इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम राइट. सो नाइट टाइम पे एक्टिव होगा तो क्या बोलेंगे इसको नॉक्टर्नल बोलेंगे. जनरली कहाँ पाया जाता है किचन की सिंक में है ना बाथरूम के जो सिंक होती है उसमें पाया जाता है उसमें से अचानक से निकलते हैं इतने सारे कॉकरोच. मतलब इसको कैसी जगह पसंद है इसको पसंद है बेटा वो जगह जो थोड़ी सी डैम्प हो. ठीक है कहाँ पाया जाएगा डैम्प. डैम्प मतलब हल्का गीला एरिया हो लेकिन छुपा भी हो तो मतलब वार्म्थ भी होनी चाहिए. सो इट लाइक वार्म प्लेसेस. ठीक है एंड डैम्प प्लेसेस जहां पे ह्यूमिडिटी भी हो और बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड हो राइट. सो दिस इज द प्रेफर्ड लोकेशन फॉर अ कॉकरोच. इस जगह पर आपका पाया जाएगा. खाता क्या है ये इट कैन ईट एनीथिंग. यस आप इसको ब्रेड दे दो मतलब ब्रेड दोगे तो नहीं ब्रेड इट कैन सर्वाइव ऑन क्लोथ इट कैन सर्वाइव ऑन लेदर इट कैन सर्वाइव ऑन वुड कुछ भी खा सकता है. सो इट ईट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो दैट काइंड ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज मतलब इसने लिविंग मैटर भी खा लिया ऑर्गेनिक मैटर नॉन लिविंग मैटर भी खा लिया तो ये कैसा हुआ ये हुआ बेटा ओमनिवोरस ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेता है. इनफैक्ट अगर मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए खाना नहीं मिल रहा है सिर्फ इसके अपने आसपास अपनी ही फैमिली के मेंबर्स की डेड बॉडी प्रेजेंट है इट कैन सर्वाइव ऑन दोज डेड बॉडीज एज वेल. अपनी ही फैमिली मेंबर्स मतलब इट कैन सर्वाइव ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द कॉकरोचेज ओनली. दैट काइंड ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज हाँ जी क्या बोलेंगे कैनिबलिज्म. बिल्कुल ठीक. ठीक है इट कैन ईट डेड कॉकरोचेज ऑल्सो. ठीक है दैट नेचर इज कॉल्ड एज कैनिबलिज्म. जब आप अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स की डेड बॉडी को कंज्यूम कर लो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कैनिबलिज्म. हाँ तो बड़ा भूखड़ किस्म का आदमी है कुछ दे दो सब खा लेगा. ये एक तरीके से अच्छी नेचर भी है कि इसके नखरे नहीं है इसको जो मिलेगा ये वो खा लेगा. आप अनलाइक यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ नखरे कि ये सब्जी नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे. जो जो ग्रीन कलर का है वो तो खाएंगे ही नहीं है ना. जो हमें थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है बस वो खाएंगे जिसमें चीज डला हुआ है बस वही खाएंगे. इसके साथ ऐसा सीन नहीं है. ये ममाज फेवरेट बॉय है बिकॉज इट कैन ईट एनीथिंग राइट. चलिए आ जाइए. हाँ जी नीट में क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्यों कराएंगे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे महादेव. क्वेश्चन आते हैं इसीलिए कराया जा रहा है.
टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द कॉकरोच. यस गाइस, सो अगर बात करें इसकी बॉडी की, बॉडी इज एक्चुअली कवर्ड बाय, इसकी बॉडी के अराउंड ना आप देखोगे मोटी मोटी सी प्लेट्स लगी हुई हैं. एक्सोस्केलेटन आप जानते हो ऑर्थ्रोपोडा का किससे बनता है, नैग के पॉलीमर से, नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. जब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन लग जाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, यस क्या बन जाता है, मेरे सारे बच्चे बताएंगे, सबको पता है नाग के बारे में, सबको पता है उस पॉलीमर के बारे में. बिल्कुल ठीक नंदिनी, क्या बनता है, नाग बहुत सारा जब जुड़ता है इट फॉर्म्स काइटिन. सो ऑब्वियसली द बॉडी ऑफ कॉकरोच वुड बी कवर्ड बाय काइटिन ओनली, बट दैट काइटिन वुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स. क्या बनाएगा बच्चों, प्लेट्स की फॉर्म में. जैसे मान लो ये क्या है आपका बेटा, कॉकरोच, इमेजिन करना है आपने, ठीक है, इमेजिन कर लो कॉकरोच. तो एक काइटिन की प्लेट यहां होगी ऊपर वाली साइड, एक होगी बेटा नीचे वाली साइड, एक होगी ये लेफ्ट साइड लैटरल साइड, और एक होगी राइट लैटरल साइड पे, ठीक है. तो कितनी प्लेट्स हो गई, 1, 2, 3 and 4. ऊपर वाली दिशा जो हवा को फेस करती है क्या बोलते हैं उसको, डॉर्सल. नीचे वाला एरिया जो ग्राउंड को फेस करते हैं क्या बोलते हैं उसको, वेंट्रल. तो वन प्लेट वुड बी डॉर्सल, वन वुड बी वेंट्रल, टू प्लेट्स आर गोइंग टू बी द लैटरल प्लेट्स. सो बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड बाय काइटिनस प्लेट्स एंड दीज काइटिनस प्लेट्स दे आर कॉल्ड एज, क्या बोलोगे बच्चों इन काइटिनस प्लेट्स को, स्क्लेराइड्स. क्या बोला जाता है इनको, स्क्लेराइड्स. अभी मैंने बताया कि एक स्क्लेराइड आपकी होगी डॉर्सल साइड पे, ठीक है, एक स्क्लेराइड कहां पर होगी, डॉर्सल, दूसरी कहां पर होगी, वेंट्रल, एंड बाकी दो स्क्लेराइड कहां पर होंगी आपकी, लैटरल. लैटरल मतलब लेफ्ट और राइट. नाउ द डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हो उसको, टर्गाइट. अगर एक हो तो टर्गम, ठीक है. डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज टर्गाइट, ठीक है. देन कमिंग टू द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज. अब इसको याद करने का तरीका आपकी बॉडी में ही छुपा हुआ है. आपकी बॉडी की वेंट्रल साइड पर यहां पर एक फ्लैट बोन है, क्या नाम है उसका, स्टर्नम. तो यहां पर भी जो वेंट्रल स्क्लेराइट है क्या नाम है उसका, स्टर्नम से आता है, स्टर्नाइट. दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नाइट, ठीक है. जैसे आपकी बॉडी में स्टर्नम इज ऑन द वेंट्रल साइड, वैसे ही बेटा यहां पर स्टर्नाइट इज ऑन द वेंट्रल साइड. अब बात करते हैं लैटरल साइडों पे भी तो काइटिन की प्लेट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूराइट. क्या बोलोगे इसको, दिस इज बेटा कॉल्ड एज प्लूराइट. सो द बॉडी इज सराउंडेड बाय 4 स्क्लेराइट्स, ठीक है. कितनी स्क्लेराइट्स, 4 स्क्लेराइट्स, इधर टर्गाइट, इधर स्टर्नाइट, और यहां पर क्या होंगे, प्लूराइट. अब ये जो 4 प्लेट्स हैं, दीज प्लेट्स आर एक्चुअली जॉइंट टू ईच अदर बाय वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे, सो दीज प्लेट्स आर जॉइंड बाय वेरी मच फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल वर्ड याद रखना, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है. ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इसका एक और नाम भी है, एक और नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे बेटा इसको, आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन. इसी की वजह से बच्चों कॉकरोच की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, अदरवाइज तो काइटिन इज वेरी हार्ड थिंग, है ना. हार्डनेस रहेगी तो कॉकरोच खाना खाएगा, फूलेगा कैसे, राइट. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इज आर्थ्रोडियल, जो इन चारों को क्या करता है, ज्वाइन करता है. इन चारों को बेटा क्या करता है, ज्वाइन करता है. एब्सोल्युटली मिस्टर और मिस गुलाब जामुन, एक तो ना ये मिठाइयों का फिर सेक्स पता करना है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये मेल सेक्स है या फिर क्या है, फीमेल सेक्स. ओके, सो बॉडी के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं वन बाय वन. नाउ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, है ना. बॉडी के कितने हिस्से हैं कॉकरोच के, 3 हिस्से हैं भाई. सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज हेड. देन सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज थोरेक्स, एंड बेटा थर्ड पार्ट द लॉन्गेस्ट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन, ठीक है. कौन कौन से पार्ट्स हैं,
हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। आज वन बाय वन तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि हेड के पास क्या क्या है, थॉरिक्स के पास क्या क्या है एंड देन एब्डोमिनल रीजन के पास क्या क्या है। हेड से स्टार्ट करें बेटा। शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द हेड रीजन? यस। सो आपका कॉकरोच इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है? तो ये है बेटा आपका हेड, राइट? थ्री पार्ट से बनाऊंगी बस मैं अभी। देन नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द थॉरिक्स। थॉरिक्स में आगे आपके तीन पार्ट्स हैं एंड द लास्ट पार्ट एज वी रोट इट इज गोइंग टू बी द एब्डोमिनल रीजन, ठीक है? यस, दिख गए कैसे जॉइंटेड सी बॉडी है ना, हिस्से हुए हुए हैं, इसकी पूरी बॉडी के हिस्से हो चुके हैं बच्चों। हेड, थॉरिक्स, थॉरिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स। हाउ मेनी थोरैसिक सेगमेंट्स आर देयर बच्चों? देयर आर टोटल थ्री थोरैसिक सेगमेंट्स। हाउ मेनी एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर देयर? देयर आर टोटल 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंडिंग टिल 10 एब्डोमिनल सेगमेंट। लेकिन एम्ब्रियो में पता है कितने होते थे एब्डोमेन में? 11 होते थे। फिर वो जो लास्ट वाला 11वां था ना, वो 11वें ने ना एनस के अराउंड कोटिंग सी बना ली, लेयर्स बना ली, तो उसमें यूज हो गया। तो एडल्ट में आते आते कितने बच गए आपके पास? 10 ही बच गए। यस बेटा, एप्पल पाई रुकू, कितने सेगमेंट्स होंगे इसके पास? 10 थोरैसिक, 3 थोरैसिक एंड 10 एब्डोमिनल सेगमेंट, स्टार्टिंग विद द हेड रीजन। अब हेड के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सबसे पहले भाई आपकी हेड की शेप कैसी है? हेड इज एक्चुअली ट्राइंगुलर इन शेप। कैसी शेप है? ट्राइंगुलर। प्लस हेड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। अगर बॉडी एक्सिस ऐसी है तो हेड आपका ऐसे है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर। जानते हो ना यार ये साइन, ऐसा तो नहीं कि टेंथ तक मैथ्स कर लिया उसके बाद ना ये समझ आ रहा है कि मैम ने क्या लिखा है, ना ये समझ आ रहा है। इतना समझ जाओगे ना, ट्राइंगुलर हेड एंड बेटा इट इज परपेंडिकुलर टू बॉडी एक्सिस। इट इज लाइंग एट द 90 डिग्री ऑफ द बॉडी एक्सिस, ठीक है? अब हेड का जब जब एम्ब्रियोलॉजिकली हमने देखा, इसका एम्ब्रियो देखा, तो हेड को बनाने में कितनी सेगमेंट यूज हुई थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में? ये पूरे हेड को बनाने में कितनी सेगमेंट यूज हुई थी? देयर आर 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स व्हिच वर यूटिलाइज्ड। सो हेड इज फॉर्म्ड बाय 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, ठीक है? 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। जैसे मैं बताऊं आपको, 2 एपिक्रेनियल प्लेट्स थी, 2 जेना था, 1 फॉर्निक्स था और 1 क्या था, क्लाइपियस था। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा? सिर्फ ये चीज कि कितनी सेगमेंट्स हैं, कितनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स से आपका हेड बना। आप याद कर लोगे 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स हैं। यहां मैं बना देती हूँ, ये देखिए। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्निक्स, देन इसके नीचे प्रेजेंट होता है क्लाइपियस, देन बेटा यहां पर 2 जेना और 2 एपिक्रेनियल प्लेट्स लाइक दिस। सो देयर आर, ये देखो, सेगमेंट नंबर 1, 2 एपिक्रेनियल प्लेट्स, 3, 4 जेना, देन 5th and 6th क्लाइपियस। ओके, क्लियर है? एपिक्रेनियल प्लेट्स, जेना, फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से आपका ये जो हेड है ये बनता है और इट इज ट्राइंगुलर एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। अब इस हेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, हेड के ऊपर क्या क्या है? सबसे पहले भाई इसी हेड के पास एक स्ट्रक्चर है जिससे पता लगाएगा कि आसपास खाना है या फिर नहीं है। यस, कैसे पता लगाएगा? इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास टैक्टाइल रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर, टच कर लिया तो मतलब सेंसेशन आ गई। इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, वो स्मेल कर सकता है कि कहां पर खाना हो सकता है। दैट इज बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एंटीना। तो हेड के पास क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ जॉइंटेड एंटीना, दिख रहा है? यस गाइस, तो सबसे पहली चीज जो इसके हेड के पास प्रस्तुत होगा दैट इज गोइंग टू बी एंटीना। सो हाउ मेनी एंटीना आर देयर? पेयर ऑफ एंटीना आर देयर। एक्चुअली ना एंटीना इज अ जॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो ये सारा एंटीना एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होगा।
देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एंटीनरी सॉकेट, ठीक है। इस सॉकेट के अंदर आपका एंटीना इस तरीके से जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट राइट बेटा। सो ये क्या है आपका एंटीना। अब एंटीना करता क्या है, एंटीना के पास है रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? फर्स्ट इट हैज गॉट टेक्टाइल रिसेप्टर्स। क्या है बेटा इसके पास? टेक्टाइल। टेक्टाइल माने टच। कहीं भी अगर उसको, मतलब किसी भी सब्सटेंस को टच करता है तो रिसीव कौन करेगा उस स्टिमुलस को? एंटीना। सो इट हैज गॉट टच रिसेप्टर। दूसरा रिसेप्टर स्मेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ स्मेल। दैट मीन्स ये एंटीना ही बताएगा, इट विल टेल अबाउट द पॉसिबल फूड सोर्स। कोई भी आसपास अगर खाने का सोर्स होता है तो कौन डिटेक्ट करेगा? आपका करेगा पेयर ऑफ दिस एंटीना। पहला स्ट्रक्चर जो आपके हेड में प्रेजेंट है, इज दिस क्लियर? दैट इज पेयर ऑफ एंटीना। अब इस हेड के पास और भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? दो टाइप की आईज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? टू टाइप्स ऑफ आईज। तो ये बेटा मैंने क्या बनाया है? आईज बनाई है, राइट। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन योर हेड इज कॉल्ड एज आईज, ठीक है, एंटीना के नीचे। अब ये जो आईज हैं, दो तरीके की मैंने बोला। वन पेयर ऑफ आईज कॉल्ड एज सिंपल आई। सिंपल आई का दूसरा नाम ओसेली। हाँ जी, एक तो इनके पास क्या है? पेयर ऑफ सिंपल आईज विच इज कॉल्ड एज ओसेली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल्सो हैव गॉट पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। और क्या प्रेजेंट है बेटा इनके पास? पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। अब ये कंपाउंड आईज क्या है? कंपाउंड आईज वो है जिनके पास इंडिविजुअली विजुअल सेगमेंट है, राइट, विच इज कॉल्ड एज, क्या नाम पता है किसी को? यस यस यस, कम ऑन गाइज, नाम पता है किसी को? क्या है वो? क्या प्रेजेंट है कंपाउंड आईज के पास? क्या प्रेजेंट है? कुछ यूनिट्स हैं, हेक्सागनल यूनिट्स हैं, विच आर कॉल्ड एज ओमेटिडियम। सो ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागनल यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज ओमेटिडियम। अब जितने आपके यूनिट्स हैं उतनी ही क्या बनेंगी? इमेजेस बनेंगी। मतलब अगर एक आंख के पास 2000 ओमेटिडियम है तो 2000 इमेजेस बनेंगी, दूसरी आंख के पास भी अगर 2000 ओमेटिडियम है तो 2000 इमेजेस बनेंगी। जब इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं सेम स्क्रीन की, दैट टाइप ऑफ विजन इज कॉल्ड एज, हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? मोज़ेक विजन। दैट विजन माय डियर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज मोज़ेक विजन। और ये आईज इस हिसाब के ना कि उनकी जो रात में देखने के लिए परफेक्ट है, रात में देखने के लिए जो भी इनको सेंसिटिविटी चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए, उसी हिसाब की इमेजेस बनती है। इनको क्लियर तो नहीं दिखेगा कि क्या है, बट येस दे कैन डिटेक्ट समथिंग इज देयर, कुछ तो है भाई, ये जरूर पता चल जाएगा। सो दे आर परफेक्ट फॉर नॉक्टर्नल विजन। किसके लिए परफेक्ट है बच्चों? रात में देखने के लिए। इसीलिए ना तुम रात में थोड़ा सा ना ध्यान से बाथरूम में जाया करो, वहाँ पे जनरली रात में 2-3 बजे चीख निकलती है ना, वो किस वजह से निकलती है? क्योंकि अचानक से नींद में होते हो और तुम सामने क्या देखते हो? कॉकरोच दौड़ रहा है। यस यस बच्चे, तो इसीलिए रात में थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा केयर के साथ, एक्स्ट्रा केयर, तब वो बहुत एक्टिव होते हैं, राइट। सो ये बात हो गई आपकी आईज की। आईज के बाद आते हैं अब और क्या है हेड के पास, और क्या प्रेजेंट है हेड के पास? प्रेजेंट है खाना खाने के लिए कुछ माउथ पार्ट्स। माउथ भी तो होगा, है ना, लेकिन जो माउथ है ना इसका, फॉर एग्जांपल ये इसका हेड रीजन है। माउथ इज एक्चुअली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, देख रहे हो नीचे की तरह जहां मेरा पेन जा रहा है, डाउनवर्ड्स ऐसे दिखेगा। यस, माउथ इज एक्चुअली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये आपका हेड रीजन है, माउथ इज डाउनवर्ड्स। दिस टाइप ऑफ माउथ
इज कॉल्ड एज, और दिस टाइप ऑफ हेड इज कॉल्ड एज, जिसमें माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. डाउन का मतलब हाइपो, गनाथ मतलब जॉज, माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, दैट टाइप ऑफ हेड इज कॉल्ड एज हाइपो गनाथस. यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज देयर माउथ पार्ट्स. ठीक है, माउथ पार्ट्स, सबसे पहली चीज, द माउथ इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, इसके लिए बेटा क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस पहली चीज. दूसरी चीज, अब जितने भी माउथ पार्ट्स है ना, उसकी हेल्प से कॉकरोच ने कुछ भी खाना पीना है तो वो कैसे खाता है, सक करके तो नहीं खाता. इसके पास द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, दे आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइट करेंगे, तोड़ेंगे उसको सामान को, फिर बेटा च्यू भी करेंगे, ऐसे टाइप के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो कैसे टाइप का माउथ पार्ट्स है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. ओके, अब कितने हैं, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी माउथ पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी माउथ पार्ट्स आर देयर. सोचो सबसे पहले, बिल्कुल अपने में बात करो, अपने जैसा कंपेयर करना है. जैसे हमारे पास एक अपर लिप है, इनके पास भी है, हमारे पास एक लोअर लिप है, इनके पास भी है, हमारे पास एक टंग है, इनके पास भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट कितने हो गए, 1, 2, 3 तो हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट, 2 pair of maxilla, 2 pair of mandible. ठीक है, 3 हमने हो गए थे, 4 और जोड़ दो, टोटल कितने हो गए, 7. राइट, टोटल कितने हो बच्चे, 7. सो नंबर ऑफ माउथ पार्ट्स, यस गाइस, नंबर ऑफ माउथ पार्ट्स, दे आर गोइंग टू बी 7. कैसे बता दो, एक बेटा है आपका अपर लिप, बिल्कुल हमारी तरह, दैट इज कॉल्ड एज लेब्रम. एक लोअर लिप भी होगा, लोअर लिप, दैट इज कॉल्ड एज लेबियम. ठीक लिखा ना, यस, अपर लिप एज वेल एज लोअर लिप. एक बच्चे मैंने आपको बताया टंग, ठीक है, टंग, दैट इज हाइपोफेरिंग्स, हाइपो फेरिंग्स, राइट, एंड 1 pair of maxilla, 1 pair of mandible, 2 maxilla एंड बेटा 2 mandible, और यही maxilla और mandible के पास होते palps, maxillary palp, ठीक है, mandibular palps, वो क्या करते हैं, टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. साथ ही में इसके पास क्या प्रेजेंट है, chewing structure, जो किस में हेल्प करेंगे, chewing में एंड grinding में, तोड़ फोड़ करने के लिए ग्राइंडिंग. अभी मैं आपको दिखाती हूं कि कौन कौन से आपके माउथ पार्ट्स है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस, हैव अ लुक. ये बच्चे आपका हेड रीजन, ठीक है, हेड के पास मैंने क्या बोला था, देयर इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड देयर इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ ओसेली. ओसेली इज एक्चुअली सिंपल आइज, सिंपल आइज को बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे नीचे देखोगे, इसके पास क्या प्रेजेंट है, मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम. इधर अच्छे से देख लो, मैंने बोला था कितने माउथ पार्ट्स, फिर बच्चों आप बोलोगे कि मैम ऐसे बोल रही है कि कितने आदमी थे, तो यार इसी तरीके से तुम बताओ कितने माउथ पार्ट्स थे, कितने माउथ पार्ट्स थे गाइस, देयर वर 7 माउथ पार्ट्स, गिन ले. देखो, लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, बीच में हाइपोफेरिंग्स आपकी टंग, देन बच्चे 2 mandible, किसके लिए बताए थे, ग्राइंडिंग के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, इंसिजन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिले, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, जिनके पास ये देख रहे हो यहाँ पर ये पाल्प्स हैं, दीज आर मैक्सिलरी पाल्प, जो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. हाँ जी, कितने आदमी थे, तो देख लो भाई कितने माउथ पार्ट्स थे, 7 माउथ पार्ट्स थे. तो माउथ पार्ट्स डन, माउथ पार्ट्स डन बचे. बनाना आपको बोर्ड्स में आ सकता है, लेकिन नीट में बनाना तो नहीं आएगा, डिटेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूर आ सकता है. तो अच्छे से एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लो, वैसे तुम पहचान जाओगे, इतना कोई यू नो टफ स्ट्रक्चर नहीं है. राइट, सो दिस इज अबाउट द हेड रीजन गाइज. हमने क्या कर लिया है, हेड अपना पूरा कर लिया है, कि हेड के पास मुझे क्या क्या मिलेगा. हेड के पास बच्चे मुझे आईज मिली, हेड के पास मुझे एंटीना मिला, और हेड के पास मुझे क्या मिला, माउथ मिला, माउथ के अराउंड पार्ट्स मिले. ठीक है, अब अगला हिस्सा आता है, दैट इज गोइंग टू बी बच्चो थोरेक्स. कौन सा हिस्सा आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द थोरेसिक रीजन, एंड थोरेसिक रीजन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स.
सबसे पहला प्रो, प्रो मतलब पहला नंबर, ठीक है। दूसरा मिडल वाला, दैट इज कॉल्ड एज मीजो, और लास्ट वाला इज कॉल्ड एज मेटा। ये हमेशा ही होता है ना, प्रो, मीजो एंड मेटा। तो ये फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट प्रोथोरेक्स, सेकेंड मीजो, थर्ड वन इज मेटाथोरेक्स। तो आ जाए हम, आ जाए बच्चों हम इसके थोरेक्स पे आ जाइए। चलिए, लेट अस ऑल मूव टू द थोरैसिक रीजन। सो थोरेक्स के पास देर आर गोइंग टू बी थ्री थोरैसिक सेगमेंट्स, ठीक है। थ्री थोरैसिक सेगमेंट्स कौन कौन सी, पहला नंबर बताओ बच्चे, पहला नंबर बताओ, दैट इज कॉल्ड एज प्रो थोरेक्स, ठीक है। सेकेंड नंबर बताइए, दैट इज कॉल्ड एज मीजो थोरेक्स, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कहलाता है, मेटा थोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अभी जो प्रोथोरेक्स है ना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी काइटिन की प्लेट ढकी होती है जो हेड तक एक्सटेंड करती है। प्रोथोरेक्स के ऊपर देयर इज अ काइटिनस प्लेट, वो तो सबके अराउंड ही होगी, बट जो इसके ऊपर जो प्लेट है ना, वो हेड तक एक्सटेंड करती है। दैट प्लेट, दैट कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स इज कॉल्ड एज प्रोनोटम। क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज कवर्ड बाय प्रोनोटम। अब ये वर्ड आपको कहां मिलेगा, ये वर्ड बच्चे मिलेगा आपको यहां, ये रहा, ओके, यस। ये देखिए, सब बच्चे पूछते हैं, मैम एनसीईआरटी में ना प्रोथोरेक्स को ना प्रोनोटम दिया हुआ है, क्या ये चीज ठीक है? एनसीईआरटी में प्रोथोरेक्स को प्रोनोटम नहीं दिया हुआ है। प्रोथोरेक्स की कवरिंग जो बहुत बड़ी है, जो हेड तक जाती है, इसका क्या नाम है? प्रोनोटम। अब गलती तो नहीं करोगे, अब बेटा गलती तो नहीं करोगे, यस यस गाइस, हाँ जी, ओनली प्रोथोरिक्स के ऊपर थोड़ा सा हेड तक भी जाएगी, उसकी कवरिंग को क्या बोला हुआ है? प्रोनोटम। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलना है, छोड़ नहीं सकते ना भाई, है ना, ऐसे छोटे बच्चे को पीछे छोड़ दोगे अकेला रह जाएगा, छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। प्रोनोटम इज द कवरिंग ऑफ द प्रोथोरिक्स, नॉट द प्रोथोरिक्स, राइट। चलिए आ जाइए, सो पहला सेगमेंट इज द प्रोथोरिक्स, देन बचे मीजोथोरिक्स एंड देन मेटाथोरिक्स। अगली चीज, नाउ फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट, समझो, From each thoracic segment, a pair of legs will come out. From each, यहां देखिए, from each thoracic segment, pair of legs will come out. तो कितनी legs हुई? Pair of legs they will arise. How many legs? बताओ कितनी लेग्स थी, कितने आदमी थे बच्चों? माउथ पार्ट्स तो देख लिए, अब बताइए कितनी लेग्स होंगी? देखो, प्रोथोरिक्स में से एक पेयर आएगा, मीजोथोरिक्स में से एक पेयर आएगा, एक पेयर मेटाथोरिक्स में से भी आएगा, बिल्कुल इसकी तरह। ये देखो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ, तुम गिनते रहो, जैसे मैं मीजो में से ड्रॉ करती हूँ, दिस इज हाउ, ये मैंने एक लेग बनाई है। सेम वे बेटा इधर भी होगी, सेम वे यहां पर भी प्रेजेंट होगी। मैं पेयर का फर्स्ट हिस्सा बना रही हूं, यस यस गाइस, कितनी लेग्स हुई, कितनी बेटा, छह, कितनी लेग्स हुई, 1 2 3 4 5 6, सो हाउ मेनी लेग्स आर देयर? टोटल देयर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, कितनी पेयर हो गई? 3 पेयर हो गई। अब अगर एक लेग को देखें, उसकी लेग को देखो, लेग अपने आप में क्या है? एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा लेग? लेग अपने आप में क्या है? जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेग। बहुत अमेजिंग लेग है। आपने देखा होगा कि कॉकरोच ना फिसलता नहीं है, टाइलों पे घुमा लो, सिंक के अंदर भी इतना स्लिपरी सरफेस होता है, वहां पर भी वो फिसलेगा नहीं, वो अपना मतलब होल्ड बनाकर रख रहा है, कैसे? अपनी लेग्स के बल पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेग के पास, द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉक्सा, ठीक है। पहले सेगमेंट का क्या नाम है? कॉक्सा। नेक्स्ट बच्चे, यहां पर छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर, ठीक है। देन नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज फीमर, यस। तीसरे का क्या नाम है? फीमर। फिर उसके बाद आता है एक लंबा सा सेगमेंट विच इज कॉल्ड एज टिबिया। टिबिया बेटा इसका लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, सबसे लंबा कौन सा है? टिबिया है। टिबिया के बाद बच्चे चालू होता है लास्ट सेगमेंट, टार्सस।
टार्सस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टार्सोमियर्स। अब एक टार्सस के अंदर कितने टार्सोमियर, ये तो बच्चे कॉकरोच ना हमारे उस शोले वाले डायलॉग से बिल्कुल मेल खाता है, कितने टार्सोमियर कितने लेग्स। तो टार्सस के अंदर देयर आर टोटल 5 टार्सोमियर, तो बना ले 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इन पांचों ने मिलकर क्या बनाया, टार्सस बनाया। एक सेगमेंट को क्या बोलते हो, टार्सोमियर। ये जो आपका लास्ट टार्सोमियर है ना, लास्ट वाला टार्सोमियर, दैट इज कॉल्ड एज, लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड एज प्री टार्सस। क्या बोलोगे, लास्ट वाले का नाम है भाई प्री टार्सस। और लास्ट वाले प्री टार्सस पर देयर आर सर्टेन पैड्स, देयर आर क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर पैड्स है जो उसको स्मूथ सरफेस पे फिसलने नहीं देते हैं। दोज पैड्स, दोज क्लॉज, दे आर कॉल्ड एज एरोलियम। क्या बोलोगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज एरोलियम, ठीक है। वैसे बच्चों हर टार्सोमियर पे भी छोटे छोटे प्लांटुला होते हैं जो उसको फिसलने नहीं देते स्मूथ सरफेस पर। सो अब क्वेश्चन आता है, कितने सेगमेंट्स हैं इसकी लेग में, बताइए हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन द लेग ऑफ द कॉकरोच। गिनो गिनो गाइस, ये आपकी लेग है, कॉक्सा, ट्रोकांडर, फीमर, टिबिया, ऐसे यहां पर छोटे छोटे स्पाइंस भी होंगे, यस, हां जी। नेक्स्ट टार्सस, और टार्सस में आगे टार्सोमियर्स, कम ऑन गाइस, कितने सेगमेंट हैं। हाँ तो बस मुझे यही जानना था। संध्या ने बोला है 9, ठीक है, 4 + 5 उसने 9 कर दिया है। और अमीशा इज सेइंग 5 एंड समीक्षा इज ऑल्सो सेइंग 5, बाकी बच्चे लगता है गिनती कर रहे हैं अभी तक। क्या बात है बच्चों, मैथ वैथ बिल्कुल ढीला हो गया, कैसे फिजिक्स करोगे अगर यहाँ पे ये हाल है तो। गिनो गिनो, यस, अगर मैं बाय करेक्ट चीज पे जाऊं, यू नो कि क्या चीज सही है, सही आपके 9 सेगमेंट्स है, यस सही आपके 9 सेगमेंट्स है। फिर जाते हैं कि नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, नीट में अगर क्वेश्चन आया तो तुम 9 नहीं लिखोगे, तुम 5 लिखोगे। इसके लिए मेरे पास आई हैव अ सॉलिड रीजन, बिकॉज बच्चों अब वाली एनसीईआरटी में तो इसकी बात नहीं की गई, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी जो बड़ी इलैबोरेट होती थी है ना, 2006-2005 वाली एनसीईआरटी में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट द लेग ऑफ द कॉकरोच हैज गॉट 5 सेगमेंट्स। टार्सोमियर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेगमेंट, रादर टार्सस इज अ सेगमेंट, और टार्सस के आगे और छोटे पार्ट्स को टार्सोमियर बोला है। तो हमें अब किसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, हमें अब किसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी तो भगवान है, बिल्कुल वही मानोगे। तो फॉलोइंग द प्रीवियस एनसीईआरटी जिसने लेग के बारे में बात की थी, ओल्ड एनसीईआरटी है ना, सो वी विल टेल दैट द लेग ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट्स, नॉट 9। वैसे तुम गलत नहीं थे, बट बेटा भावनाओं को समझो, नीट में सही गलत कुछ नहीं है, नीट में एनसीईआरटी की भावना है। एनसीईआरटी अगर 5 कह रही है तो बस 5 है, वही याद करना है हमने, 5 है भाई, ठीक है। 1 कॉक्सा, ट्रोकांडर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, टार्सस फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टार्सोमियर, लास्ट वाला टार्सोमियर प्री टार्सस, उसके आगे पैड्स हैं विच आर एरोलियम, हर एक के पास भी छोटे छोटे पैड्स हैं जिसको आप बोलोगे प्लांटुले, यस बच्चे, हाँ, किसके अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 सेगमेंट है। सो टोटल वी हैव गॉट 6 लेग्स एंड ईच लेग हैज गॉट 5 सेगमेंट्स। तो ये हो गई आपकी थॉरिक्स का पहला चीज। दूसरा, आपके थॉरिक्स के पास और भी सामान है, योर थॉरिक्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। तो मैं यहां पे आपका थोरैसिक रीजन बना रही हूं, सिर्फ थोरैसिक रीजन, सो एब्डोमेन नहीं बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी द हेड, हेड के बाद आएगा बेटा थोरिक्स, ये है आपका थोरिक्स रीजन। सो सेगमेंट नंबर 1 प्रोथोरिक्स, सेगमेंट नंबर 2 मीजोथोरिक्स एंड सेगमेंट नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज मेटाथोरिक्स। अब मैंने बोला यहां पर कितने विंग्स हैं, देखो कॉकरोच भी उड़ सकता है, सबसे पहले चीज तो ये याद रखो बिल्कुल उड़ सकता है, इसके पास उड़ने के लिए विंग्स भी हैं। नाउ फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी विंग्स,
आपके प्रोथॉरिक्स के पास कोई विंग का पेयर नहीं है। विंग्स किसके पास होंगे? एक पेयर होगा मीजो के पास, दूसरा पेयर होगा आपका मेटा के पास। तो पहले वाला बना ले। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग वुड बी अराइजिंग फ्रॉम द सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट लाइक दिस। पेयर होता है, मैं यहां पर एक ही बना रही हूं। सो दिस पेयर ऑफ विंग जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, बड़ा ही बच्चों डार्क सा स्ट्रक्चर है ना? क्या है ये? डार्क है, इट इज ओपेक, कुछ नीचे दिखाई नहीं देता है और आगे से ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है, ठीक है। दिस पेयर ऑफ विंग इज कॉल्ड एज फोर विंग्स। क्या बोलोगे बच्चों? एक तो ये विंग जो है ना, इसका नाम है फोर विंग। दूसरी चीज, बड़ा ही हार्ड सा है, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट इज थिक। तीसरी चीज, इसमें से नीचे देखना बहुत मुश्किल है, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज एक्चुअली ओपेक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज फोर विंग, इट इज थिक, इट इज ओपेक, इट इज लेदरी काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। प्लस ये विंग उड़ने के तो काम ही नहीं आता। यस, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइंग, ये कॉकरोच को नहीं उड़ाएगा। तो किस लिए रखा हुआ है इसको? इसको रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। इतने मोटे ताजे विंग को क्यों रखेंगे? क्यों बच्चे? वो बाउंसर देखे ना आपने डिस्क वगैरह के बाहर, वो क्या होते हैं बाउंसर, इतने हट्टे खट्टे क्यों रखे होते हैं? बॉडी गार्ड भी आप देखोगे, दे आर वेरी मच यू नो मस्कुलर एंड यू नो हैवी बॉडी होती है उनकी। क्या पर्पज है? प्रोटेक्शन। यहां पर भी इनका क्या पर्पज है बच्चों? प्रोटेक्शन। क्या बोला जाता है इन विंग्स को? इन विंग्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज टेगमीना। द अदर नेम ऑफ फोर विंग इज टेगमीना, ऑल्सो कॉल्ड एज एलाइट्रा। And this does not help in flying. No help in flying. मैंने cross लगा दिया, तो किस में help करेगा? It will only help in the protection. Yes guys, so pair of four wing will not help in flying. अगला pair. Next, coming to the pair of hind wing, जो कि कहाँ से चालू होगा? Metathoracic segment से चालू होगा, जो कि बच्चे इस तरीके का, बहुत ही broad नीचे से इस तरीके का स्ट्रक्चर है, पतला, यस, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेनस। सो ये पतला सा विंग होता है, तो इसको बोल दोगे आप हाइंड विंग। पतला है तो मतलब क्या है? थिन है, थिन है और ओपेक तो नहीं है, इट इज ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड बेटा इट इज मेम्ब्रेनस, नॉट लेदरी। And this is the wing, ये वो wing है जो उड़ने के काम आता है। This is the wing बच्चों which is used for flying. तो अगर पूछा जाए कि fly cockroach किससे करता है? Fly करता है hind wing से, लेकिन mostly आपने cockroach को तो चलते हुए देखा ना, उड़ता तो बहुत कम है। ज्यादा परेशान करोगे, चप्पल बहुत नजदीक लेके जाओगे तो उड़ेगा। Mostly ये चलता है, तो जब चलता है तब क्या होता है? ये ना flying, ये जो hind wing है ये ऐसे लिपट के लिपट जाता है और उसको कौन कवर कर लेता है? फोर विंग ऐसे कवर कर लेता है। हाइंड विंग ऐसे डबल फोल्ड कर लेगा और फोर विंग जो कि थिक है वो उसको कवर करके बैठा रहेगा। तो जब कॉकरोच चल रहे हैं, उड़ नहीं रहे, तब आपको कौन सा विंग दिखता है? फोर विंग दिखता है, उसके नीचे है हाइंड विंग, छुपा हुआ है, फोर विंग उसको प्रोटेक्ट करके बैठा है। लेकिन बेटा जब आप ज्यादा परेशान करोगे तो हाइंड विंग्स भी निकल आएंगे। यस बेटा, डन, पता चल गया आपको विंग्स के बारे में, पता चला। हाँ जी बेटा, फोर विंग्स को ही बोलते हैं टेगमीना, दूसरा नाम है, और क्या बोलते हैं? इलाइट्रा बोलते हैं। सो थोरैक्स में से एक तो हर थोरैसिक सेगमेंट में से पेयर ऑफ लेग आई, और बच्चे प्रोथोरिक्स को छोड़कर मीजो और मेटाथोरिक्स में से क्या आए? पेयर ऑफ विंग्स भी आए। डन, सो हेड हो गया, थोरिक्स हो गया, अब चले एब्डोमिन पे। यस बच्चे, शुड वी मूव टू द एब्डोमिनल रीजन? ओके गाइज, आपकी सहमति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एब्डोमिन, सो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन एब्डोमिन? आपने यहां पर गिन भी लिए, ये देखो, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन एब्डोमिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेगमेंट्स। लेकिन एम्ब्रियो में कितनी थी? एम्ब्रियो में थी 11। 11वीं वाली ने किसका कवरिंग बना लिया? एनस का कवरिंग बना लिया एडल्ट में आते आते, ठीक है। सो एब्डोमिन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स,
लेकिन बेटा एम्ब्रियो में कितनी थी? एम्ब्रियो में थी आपकी 11. 11th लेटर ऑन फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एनस इन द एडल्ट. नाउ इन द एब्डोमिनल सेगमेंट आपको ना एब्डोमेन में से कुछ अपेंडिजेस दिखेंगे कि कुछ बाहर आ रहा है. यस समथिंग इज कमिंग आउट लाइक दिस. देख रहे हो कहाँ गया अपना? हाँ जी, इस तरीके से आपको ना यहाँ पर दिखाई देगा कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग आउट. सो जब भी कोई चीज बाहर आ रही होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिजेस बोलते हैं. राइट जैसे आपकी बॉडी में से ये दो आर्म्स बाहर आ रही हैं, लेग्स बाहर आ रही हैं, तो ये बॉडी की क्या है? अपेंडिजेस. वैसे ही इनके एब्डोमेन में से कुछ बाहर आ रहा है, दे आर कॉल्ड एज एब्डोमिनल अपेंडिजेस. ऋषभ शुक्ला मेरी स्पेशल क्लास का इंतजार करो जो कल सुबह 10 बजे होगी. राइट चलिए तो अब बात करते हैं एब्डोमिनल अपेंडिजेस की. ठीक है, एब्डोमिनल अपेंडिजेस. अपेंडिजेस मतलब जो चीज बाहर आ रही है, उससे निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिज. सबसे पहली एब्डोमिनल अपेंडिज जो कि सेगमेंटेड है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, जो कि लास्ट सेगमेंट में से निकलती है, उसको हम बोलते हैं एनल सरकाए. क्या बोलोगे बेटा उसको? एनल सरकाए. ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह. ये देखिए, मान लो ये था आपका एब्डोमेन. ठीक है, बिल्कुल एंड वाला हिस्सा मैं बना रही हूं. राइट, सो 8th 9th 10th इस तरीके से. तो यहां से आपको 10th टर्गाइट से, कहां से? इट विल अराइज फ्रॉम 10th टर्गाइट. सो दिस इज अ पेयर्ड सेगमेंट एंड इट विल अराइज फ्रॉम 10th टर्गाइट. अच्छा जरा बताओ, टर्गाइट डॉर्सल था के वेंट्रल था? बताइए टर्गाइट डॉर्सल था या फिर वेंट्रल था? बेटा स्पेशल क्लास में कोई भी आ सकता है, प्लस हो चाहे नॉन प्लस हो, दोनों आ सकते हैं. राइट, तो 10 बजे होगी कल स्पेशल क्लास. ये मैं सबको बता दूं, माय स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लस के हो नॉन प्लस के हो, कोई डाउट है लेकर आओ मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे उसको. तो मेरा ना कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है. आई वॉन्ट टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो मैटर वॉट प्लेटफॉर्म इज देयर. राइट, नो मैटर वॉट प्लेटफॉर्म इज देयर. ओके चलिए, सो 10th टर्गाइट से क्या निकला? आपकी एक जॉइंटेड अपेंडिजेस निकली. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जॉइंटेड है. क्या है बेटा ये? जंक्शन. दिस इज सरकाए. जब भी आपको ऐसे जॉइंटेड वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, कैसा जॉइंटेड वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, वो अपेंडिज होगी आपकी एनल सरकाए. तो ये आपके सेगमेंट्स में लिख दूं, दिस इज द 10th, देन दिस इज 9th, देन दिस इज 8th एंड 7th. राइट, आगे आ जाइए. क्या एनल सरकाए के द्वारा अलावा कोई और है? बिल्कुल है. सेकेंड टाइप ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज इज कॉल्ड एज एनल स्टाइल्स. क्या बोला जाता है बच्चों इनको? एनल स्टाइल बोला जाता है. लेकिन बेटा ये स्टाइल मेल और फीमेल दोनों नहीं मारते हैं. स्टाइल सिर्फ कौन मारता है? मेल कॉकरोच. देखा ही हुआ आपने, है ना? विद नो ऑफेंस टू ऑल माई मेल स्टूडेंट्स, बट स्टाइल तो यार तुम ही मारते हो. थोड़ा सा फुकरे हो, है ना, थोड़ी सी फूक है तुम में और बड़ा शो ऑफ करते हो. वैसे ही तुम अकेले नहीं हो, कॉकरोच तुम्हारे साथ है. तुम अकेले नहीं हो बेटे, कॉकरोच तुम्हारे साथ है. कॉकरोच में भी मेल स्टाइल मारेगा, फीमेल स्टाइल नहीं मारता है. सो दिस इज एक्चुअली अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. This is a paired structure which arises from 9th sternum, 9th sternum, and it is only prastut in, only present in. क्या male या female? Style कौन मारता है? Male cockroaches. तो अगर आप male cockroaches को देखोगे, so they are actually like this. Yes. तो ये आपके segments हो गई 8, 9, 10th इस तरीके से segment. सबसे पहले इनके पास सरकाए तो होगा ही होगा. ठीक है, सरकाए तो जॉइंटेड है जो साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अनजॉइंटेड एनल स्टाइल. देख रहे हो मैंने ग्रीन कलर से जो बनाए वो अनजॉइंटेड हैं. ठीक है, सो दे आर अनजॉइंटेड. ठीक है, सो दिस इज एनल स्टाइल.
एंड दिस वन इज एनल सर्काइव. तो अगर आपको पूछा जाए कि पहचानो ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देयर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखो अगर एक ही अपेंडेज जा रही है तो भाई ये क्या है, फीमेल है, फीमेल तो स्टाइल नहीं मारती है. अगर आपके पास दो अपेंडेजेस आ रही हैं, एक जॉइंटेड दिख रही है सरकाय है, ठीक है, दूसरी आपको स्टाइल दिख रही है विच इज अनजॉइंटेड, दैट कॉकरोच इज गोइंग टू बी द मेल कॉकरोच. तो ये जो डायग्राम है ना अपना मेल कॉकरोच, अब जरा पहचानो जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया वो मेल का दिया कि फीमेल का दिया. एवरी वन विल रिकोगनाइज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. हाँ जी बताओ ये मेल है या फीमेल है. मेडिको बॉय ना हमें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है. एनसीईआरटी कहता है कि मेल स्टाइल मारता है तो मारता है, बस मान लो इसमें, इसमें अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, मान लो इस चीज को. सारी गर्ल्स अग्री करेंगी मेरे साथ, यस कम ऑन. ये मेल है या फीमेल है, एनसीईआरटी ने जो कॉकरोच बनाया है कौन सा बनाया है. अच्छा ये मेल लग रहा है बच्चों को, ये तुम्हारी दूरदृष्टि है, इससे तुम पहचानोगे, दिस इज योर दूरदृष्टि. वेरी बैड, अब वेरी बैड. ये कौन है लिली, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये कौन है, आंखें खोल के देखो बच्चों. इसमें तुम्हें सिर्फ एक ही अपेंडेज दिख रहा है वो भी जॉइंटेड, कौन सा वाला, एनल सरकाय. यार एनल स्टाइल नहीं है इसमें, तो कॉकरोच कौन सा बना है यहाँ पर. देखो एनसीईआरटी ने थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दिया है तो उसने वुमेन कॉकरोच बना दिया है. दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल कॉकरोच बिकॉज देर आर नो एनल स्टाइल. तो मतलब आप कॉकरोच को बाहर से देखकर पहचान सकते हो वेदर इट इज मेल कॉकरोच और इट इज फीमेल कॉकरोच. अगर तुम्हें एनल स्टाइल दिख जाए तो बस मान जाना मेल है, ठीक है, स्टाइल मारेगा. अगर तुम्हें ना दिखे तो क्या है, फीमेल. इस प्रॉपर्टी को व्हेन यू कैन डिस्टिंग्विश एन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली, यस, जब आप बाहर से देखकर पहचान पाओगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्या बोलते हो बच्चे, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो आपका जो कॉकरोच है ना उसमें भी आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, जैसे ह्यूमंस में दिखता है. ह्यूमंस आर ऑल्सो सेक्सुअली डायमॉर्फिक. यू कैन रिकोगनाइज विच ह्यूमन इज मेल विच ह्यूमन इज फीमेल, पहचान सकते हो ना. वैसे ही यू कैन रिकोगनाइज कॉकरोच जस्ट बाय लुकिंग कि तुम मेल हो या फीमेल हो. तो अगली बार जब तुम चप्पल लेके दौड़ो उसको मारने के लिए तो मारना नहीं, क्या करना, बैठ जाना वहीं पे उसके पास, देखना, ऑब्जर्व करना. यू विल बी फैसिनेटेड टू सी कि यार इसके एंटीना निकल रहे हैं, फिर वो ऊपर टेगमीना ढक के बैठा है. परेशान नहीं करना, नहीं तो हाइंड विंग्स निकल आएंगे नीचे से और फिर तुम डर जाओगे. फिर तुम इसका बैक साइड देखना, एब्डोमन में देखना कि यार सरकाय है कि स्टाइल है. फिर उसका जेंडर पहचानने की कोशिश करना वेदर इट इज मेल और फीमेल. तो दिस इज योर नेक्स्ट टास्क, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल करना है आपको, ठीक है बच्चों, रियल लाइफ प्रैक्टिकल करना है, रिकोगनाइज करना और फिर मुझे बताना कि मैम आज हमने मेल कॉकरोच देखा या फीमेल. वैसे तो बच्चों कोशिश करो घर में दे शुड नॉट बी देयर बिकॉज दे आर वेरी सीरियस पेस्ट्स, दे कैन कॉज मेनी डिजीज, दे एक्ट एज वेक्टर फॉर मेनी डिजीज. वैसे तो घर में होने नहीं चाहिए, वो ऐसे दवाई टाइप भी आती है, यू नो सम स्प्रे टाइप, जिससे वो अपने बिल में से बाहर आकर दे डाए. सो वेन एवर यू हैपन टू सी, वेन यू गेट अ चांस टू सी, तो सबसे पहले तो तुम उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखकर पता लगाना मेल है कि फीमेल है, राइट बच्चों, ठीक है. हाँ मेल ही होगा, बच्चे कह रहे मेल ही होगा, मैम वही स्टाइल मारता है वही बाहर आएगा, उसमें ज़्यादा शक्ति है. जो मेल है, द मेल मेंबर्स ऑफ आवर क्लास आर सेइंग कि मैम मेल में ज़्यादा शक्ति है, मेल थोड़े से निडर हैं, इसीलिए वही जान पर खेल के बाहर आएंगे, है ना, वही जान पर खेल के बाहर आएंगे. चलिए आ जाइए. सो ये थी एब्डोमिन में से निकलती हुई अपेंडेजेस. देयर आर सर्टेन एब्डोमिनल अपर्चर आल्सो. एब्डोमिन में कुछ ओपनिंग्स भी हैं, ठीक है, कुछ ओपनिंग्स भी हैं. सो हम अभी एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में कर रहे थे, हमने कर लिया एनल सरकाय, हमने कर लिया एनल स्टाइल. एक थर्ड अपेंडेज भी है जिसको आप बोलते हो गोनापोफाइसिस, जो हम कल करेंगे. गोनापोफाइसिस, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप फैलोमियर भी बोलते हो, फैलोमियर विच इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग्स है ना
उनको कवर करने वाली जो काइटनस शीट्स होंगी उसको आप क्या बोलोगे? गोनापोफाइसिस। ये हम कल करेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन ओपनिंग्स आल्सो जिनको आप बोलोगे एब्डोमिनल अपर्चर्स। कुछ एब्डोमिन में से छेद भी हैं। क्या है बेटा? कुछ छेद भी हैं जहां से सामान बाहर आता है। यार अब तुम ये भी तो खाना खाएगा तो कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, बॉडी से बाहर निकालेगा ना। कैसे निकालेगा? बाय एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज एनस, प्लेस टॉर्सिली लास्ट में, ठीक है। सेकेंड, अब गैमेट्स भी तो बाहर निकालने हैं, एग्स भी बाहर निकालने हैं, उसके लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? जेनिटल अपर्चर्स। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एब्डोमेन में। यस बेटा, एनस में से ही डाइजेशन का भी वेस्ट बाहर, एनस में से ही अभी हम जस्ट देखेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट भी यहीं से बाहर आता है। तो स्टार्ट कर ले बच्चों। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच इज डन, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। पहला सिस्टम आज करेंगे जिसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत आसान। हाँ जी, स्टार्टिंग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद बच्चों डीपीपी भी मिलनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच क्या खाता है, कहां से खाएगा, कैसे अंदर जाएगा, कौन डाइजेस्ट करेगा, कैसे रिमूवल होगा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट का, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो इसकी गट है ना, जैसे आपकी भी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो गट है, भाई की भी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्या है? गट है। तो इसकी जो गट है वो तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, अभी ड्रॉ भी करेंगे, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फोर गट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमोडियम। बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मिड गट, विच इज कॉल्ड एज मेसेंटेरॉन। एंड द आखिर वाला पार्ट, लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइंड गट। बिल्कुल आपके ब्रेन की तरह होता है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वैसे इनके फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, मेसेंटेरॉन लिखना था। यस, ओके, पेन। मेसेंटेरॉन, दिस इज द हाइंड गट। तो कितने हिस्से हुए बच्चों? फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। देखो इसको सबको अपना भाई बनाना पड़ेगा, मैंने जैसे इसको भाई बोल दिया। देखो आप अपने आप से रिलेट करके रखोगे, रिश्तेदारी में अगर आप इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। सो फोर गट स्टोमोडियम, मिड गट मेसेंटेरॉन एंड इट इज प्रोक्टोडियम। अब फोरगट कहां से बनता है? फोरगट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। तीन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होंगी। देखो ये ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फोरगट को बनाने वाला कौन है? एक्टोडर्म। इसको बनाने वाला भी कौन है? एक्टोडर्म। सो दीज बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, व्हाइल दिस मेसेंटेरॉन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म। याद रखेंगे, प्लस बेटा जो फोर गट और हाइंड गट है दोनों की लाइनिंग कौन बनाता है? क्यूटिकल। दे बोथ आर लाइंड बाय क्यूटिकल, व्हाइल दिस क्यूटिकुलर लाइनिंग इज एब्सेंट हियर, नो क्यूटिकल। डिड यू गेट दिस? फोर गट एंड हाइंड गट डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, लाइंड बाय क्यूटिकल, व्हाइल द मिड गट डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म एंड लाइंड, नॉट लाइंड बाय द क्यूटिकल। चलिए ड्रॉ करें। शुड वी स्टार्ट ड्रॉइंग गाइस? यस बेटा, शुड वी स्टार्ट ड्रॉइंग? चलो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई ये रहा आपका कॉकरोच हेड रीजन। हेड के पास क्या होगा? माउथ होगा। माउथ से बच्चे आपका सारा कुछ चालू होगा, है ना? माउथ रीजन से ही, माउथ के पास ही, क्योंकि हेड के पास ही माउथ है, सराउंडेड बाय द माउथ पार्ट्स। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, राइट गाइज? तो सबसे पहला हिस्सा माउथ। Mouth is going to lead into the pharynx. Pharynx is going to lead into the esophagus. Esophagus बच्चे आगे चल के बनाएगी एक pear shaped structure. ये मैंने vase type structure बना दिया, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बेटा crop. मैं line wise लिखूंगी अभी. Yes. सो क्रॉप के बाद बच्चों अगला स्ट्रक्चर आएगा जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, विच इज कॉल्ड एज गिजर्ड।
तो यहां पे बच्चों अंत हुआ है आपकी फोरगट का, किसका? सिर्फ फोरगट का। फोरगट में पहला हिस्सा लाइन से लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट, दिस इज द हेड रीजन, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द माउथ, ठीक है। माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद अगला हिस्सा जो ट्यूब जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इसोफेगस, इसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रॉप, क्रॉप के बाद नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द गिजर्ड, यस। तो ये सारा हिस्सा किसका है? फोरगट का है। नेक्स्ट आती है आपकी मिडगट, मिडगट इज एक्चुअली मोटा पार्ट, ये थोड़ा सा ना मोटा है, एंड दिस मिडगट इज कॉइल्ड इस तरीके से, देख रहे हो बेटा, ये जो मिडगट है वो क्या है आपकी? कॉइल्ड है। क्या है? कॉइल्ड है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मिडगट। मिडगट के बाद क्या स्टार्ट होगा? मिडगट के बाद बच्चे स्टार्ट होगा आपका हाइंड गट, ठीक है। सो हाइंड गट ड्रॉ कर लेते हैं, यस। सो दिस इज योर हाइंड गट, मैं लेबल कर देती हूं, दिस पोर्शन इज योर हाइंड गट विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज ICR, लाइन में लिखेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है इलियम, ILEUM, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। लास्ट वाला हिस्सा क्या आएगा आपका? रेक्टम। ये सारी चीजें कहां प्रेजेंट है? कॉकरोच की बॉडी में प्रेजेंट है, देख रहे हो बेटा। तो ये क्या है आपकी? कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है। और यहां पर आपको अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल उसकी मिल जाएगी, एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू सी द एनस। यस माय डियर चिल्ड्रन, पढ़ना स्टार्ट कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी पता चलेगा टारगेट एम्स। टारगेट एम्स जल्दी तुम्हारा है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ साथ तुम्हें सारी चीजों का मतलब पता चल जाएगा। सो स्टार्टिंग विद बच्चों फोरगट, फोरगट में सबसे पहला हिस्सा है आपका माउथ, माउथ के अराउंड है माउथ पार्ट्स, वही सात माउथ पार्ट्स, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिले, मैंडिबल, हाइपोफेरिंग्स, ये सब क्या करेंगे? दे विल हेल्प इन द इंजेशन, खाने को अंदर लेंगे। अंदर लेने के बाद बच्चे खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपकी फेरिंग्स में। उसके बाद बेटा कहाँ पर जाएगा? आपके इसोफेगस में। अब इसी स्ट्रक्चर के अराउंड देयर आर अ पेयर ऑफ बच्चे सलाइवरी ग्लैंड्स, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? एक पेयर ही होता है, बट दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, और बीच में सलाइवरी ग्लैंड के यहां पर एक सलाइवरी रिजर्वायर भी है। क्या है बेटा? सलाइवरी रिजर्वायर भी है। तो लेट अस लेबल, देयर इज अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड देयर इज अ सलाइवरी रिजर्वायर ऑल्सो, सलाइवा स्टोर करने के लिए सलाइवरी रिजर्वायर। तो ये सब चीजें आपकी कहां प्रेजेंट है? इसोफेगस के अराउंड प्रेजेंट है। ये इसोफेगस और फेरिंग्स में क्या डालेंगे? अपनी सिक्रीशन डालेंगे, सलाइवा डालेंगे। फूड आपका यहां पर क्या होगा? सलाइवा से मिक्स होगा। यस बेटा, फूड क्या होगा? सलाइवा से मिक्स होगा। मिक्स होके बेटा फूड जाएगा अगले हिस्से में, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज क्रॉप। क्या नाम है बच्चों इसका? क्रॉप। अब क्रॉप आप देख रहे हो कितना बड़ा हिस्सा है, यस। सो क्रॉप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट। ये क्या करता है? इट इज अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, प्लस बेटा यहां पे पार्शियल डाइजेशन भी हो जाती है। सो हियर पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। पूरा डाइजेशन नहीं होता, ये मेन साइट नहीं है डाइजेशन की, पार्शियली कुछ चीजें। देखो इसोफेगस और क्रॉप की लाइनिंग, दे विल सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स एंड फूड क्या हो जाएगा? पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाएगा। देन बेटा फूड जाएगा आपके अगले हिस्से में, जिसका नाम क्या दिया है हमने? गिजर्ड दिया है। और यही जो गिजर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोला जाता है इसको? प्रोवेंट्रिकुलस। अब एक गिजर्ड के बारे में बताऊं मैं, प्रोवेंट्रिकुलस। नाउ दिस गिजर्ड इज द वन जिसकी बाहर वाली साइड में सर्कुलर मसल होंगी, थिक सर्कुलर मसल, एंड इंटरनली देयर इज गोइंग टू बी क्यूटिकल जो काइटिनस टीथ बनाता है। समझो, इस गिजर्ड में द आउटर पार्ट
आउटर पार्ट हैज गॉट सर्कुलर मसल. देखो मसल आ गई, मसल कुछ ना कुछ तो तगड़ा करेगी. प्लस बेटा द इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल एंड दैट क्यूटिकल एक्चुअली फॉर्म 6 काइटेनस टीथ. ठीक है, सो दैट मीन्स इस गिजर्ड में एक्चुअली चर 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 होगा. दैट मीन्स जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग. तो गिजर्ड का फंक्शन क्या है? गिजर्ड का फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ फूड. क्योंकि बेटा इसके पास ग्राइंडिंग के लिए सर्कुलर मसल्स भी हैं और इसके पास ग्राइंडिंग के लिए 6 काइटिनस तीखे तीखे वेरी शार्प दांत भी हैं. डीपीपी धनीराम राजक मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया हुआ है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यस बेटा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो द फंक्शन ऑफ द गिजर्ड इज कॉल्ड एज इज एक्चुअली ग्राइंडिंग बिकॉज ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स. प्लस बेटा साथ में गिजर्ड पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी सिक्रीट करते हैं जो आपकी मिडगट को लाइन करती है, मिडगट की लाइनिंग बनाती है. चलिए अब आ जाते हैं आपके मिडगट में. लेकिन एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिडगट, समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक, ये देखो कॉकरोच के पीछे मैंने लाइन बना दी, ये आपका फोर गट था. एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिडगट देयर आर सर्टेन ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स. इस तरीके से जंक्शन पे आपको कुछ ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स. ब्लाइंड मतलब जो एक ही साइड से खुली होती हैं. इनका नाम है हिपैटिक सीके. क्या नाम है बच्चों इसका? हिपैटिक सीके. कहाँ मिलेंगे, किसके जंक्शन पे? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. कितने कितने सीके थे? फिर से आगे बच्चों हम इस पे, कितने आदमी थे, कितने सीके होते हैं? अराउंड 6 to 8 हिपैटिक सीके विच आर ब्लाइंड एंडेड. दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. काम क्या करेंगे? काम करेंगे बच्चों कुछ ना कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे हिपैटिक लिवर से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ डाइजेशन में हेल्प करने वाला सामान डालेगा. इट विल सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स इनटू द मिडगट. इसी वजह से मिडगट इज द मेजर साइट फॉर डाइजेशन. इट इज द मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. मेजर जो आपकी डाइजेशन होगी वो कहाँ होगी? इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, लाइंड बाई पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज मिडगट. राइट बेटा, अब जब आप मिडगट से आए हाइंडगट में, यहाँ भी रस्ते में कोई था, यहाँ भी बेटा रस्ते में कोई था. ये बड़ी पतली पतली थी, वेरी थिन, एंड ये देख रहे हो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट देर आर वेरी थिन स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. क्या नाम है बेटा इनका? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. कितना नंबर है, कितनी ट्यूब्यूल थी? हाउ मेनी ट्यूब्यूल्स वर देयर? नॉट 10, नॉट 20, नॉट 30, देर आर अराउंड 100 to 150 आपकी मालपिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी. और ये मालपिजन ट्यूब्यूल तुम जानते हो इसने बॉडी में से हेमोलिम्फ में से क्या कलेक्ट करना है? नाइट्रोजनस वेस्ट. और किसको दे देना है? आपकी हाइंडगट को दे देना है. तो यार जी जो आपकी हाइंडगट है ना, वो इसका तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस तो रिमूव करेगी ही, लेकिन साथ में एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ना वो भी यहीं से बाहर जाएगा. तो सब कुछ जब भी पढ़ते हो ना किसी और एनिमल के बारे में, खुद से कंपेयर करो कि हमारे पास तो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं. एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, वो चीज़ आपकी यूरेथ्रा से रिमूव होती है. और डाइजेशन के लिए आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो चीज़ आपकी एनस से रिमूव होती है. बट इन केस ऑफ कॉकरोच, इन केस ऑफ कॉकरोच आपके पास एक ही अपर्चर है यहाँ पर, एनस, जिसके द्वारा डाइजेस्टिव वेस्ट भी बाहर जाएगा, जिसके द्वारा आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर जाएगा. यस बेटा, ये चीज हमेशा याद रहेगी, ये चीज हमेशा याद रहेगी. इट इज गोइंग टू कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड पोर इट इनटू हाइंडगट. नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में से इकट्ठा करके किसको दे देगा? हाइंडगट को दे देगा. हाइंडगट में बेटा इलियम कोलन रेक्टम ICR इसी ऑर्डर में याद करेंगे. इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, बचे हुए चीज़ों का थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है, मेजरली एब्जॉर्प्शन हो रही है. और जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, वो कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी? वो इकट्ठी हो जाएंगी बेटा आपके रेक्टम में. और रेक्टम के बाद आएगा एनस, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर. बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस बच्चे बताइए,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस 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 गाइस, कम ऑन टेल मी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे. तो मैं दो चीजें लिख रही हूं. व्हाट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट? कम ऑन गाइस, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट क्या प्रेजेंट है? नाम बता दो फटाफट से, इस पे क्वेश्चन आता है. जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे क्या है? हिपैटिक सीके. हिपैटिक सीके कितने थे? 6 से 8 थे. किस में हेल्प करी? एंजाइम सिक्रीशन में, डाइजेशन में हेल्प करी. नाउ व्हाट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट? अगला कौन सा है? मिडगट एंड हाइंडगट क्या प्रस्तुत है बच्चों इसके जंक्शन पर? कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी. देयर आर मॉल पिजियन टिब्यूल्स, मॉल पिजियन टिब्यूल्स जो कि उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. कितनी होती है? 100 to 150. कौन सी पतली है इन दोनों में से? भाई हेपेटिक सी के थोड़े से मोटे हैं, दे आर ब्लाइंड एंडेड, एक साइड से खुले होंगे. और बेटा टिब्यूल आपकी बहुत पतली, थिन थिन थिन, वेरी थिन मेम्ब्रेन्स. और ये किस चीज में हेल्प करेंगी? दे विल कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड विल पोर इन टू, दे विल पोर इन टू किस में? दे विल पोर इन टू आपका हाइंडगट. मतलब आपका नाइट्रोजनस वेस्ट भी एनस रिमूव करेगा, डाइजेस्टिव वेस्ट भी एनस ही रिमूव करेगा. ओके अच्छा, अब क्वेश्चन जो मैंने बोला था, अब मुझे चेक करना है कि तुम्हारे कान खुले थे कि नहीं खुले थे. आउट ऑफ फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट, यस आउट ऑफ फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट विच इज लाइंड बाय पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन? कम ऑन गाइस, टेल मी, बता दो. Which is lined by peritropic membrane? देखें जरा, देखें कौन peritropic membrane से lined है. हाँ जी बताओ, क्या कौन lined है? Midgut? अच्छा hindgut? Okay. Sandra with the right answer. Sandra Sneha Mandal with the right answer. Out of beta your foregut, midgut and hindgut. It is actually your midgut which is lined by peritropic membrane. Yahan likh dun, it is lined by peritropic membrane. Iske piche reason hai. Why is it lined by peritropic membrane? Kyunki beta main digestion to kahan par honi hai? मेन डाइजेशन आपकी मिडगट में ही होनी है. तो यहाँ पे बड़े तेज तेज एंजाइम आएंगे जो बड़े स्ट्रांग हैं, वो इसके सेल को खुद खराब कर सकते हैं. तो इसीलिए द सेल्स ऑफ द मिडगट दे आर लाइंड बाय पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन विच इज सिक्रीटेड बाय दिस गिजर्ड. प्रोवेंट्रिकुलस उसको सिक्रीट करता है, ठीक है. लेकिन लाइनिंग किसके बनाते हैं? मिडगट के सेल्स को, और उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे फ्रॉम द एंजाइमेटिक सिक्रेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारा एंजाइम हमारे सेल को नुकसान पहुंचा दे. ऐसा एक यू नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी स्टमक में भी है, म्यूकस लाइन करता है ना हमारे सारे गैस्ट्रिक सेल्स को, वैसे ही द पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इट लाइंस द सेल्स ऑफ द मिडगट. ओके बच्चे चलिए, सो ये बात हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का. अब हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स बचे हैं? वी आर लेफ्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड बच्चे हमारे पास क्या बचा हुआ है? रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम. बहुत आसान है, हो जाएगा कल, या फिर रेस्पिरेशन अभी कर लें. क्या कहते हो बच्चों, एनर्जी बची है, रेस्पिरेशन कर लें फटाफट से, फटाफट से. अच्छा उर्मिला इज आस्किंग हू हैव कॉन्फिडेंस, कि यस आई विल बी डॉक्टर. एवरी वन इन माई क्लास हैव गॉट कॉन्फिडेंस, ठीक है. एवरी वन इन माई क्लास हैव गॉट द कॉन्फिडेंस दैट यस दे आर गोइंग टू बी द डॉक्टर्स, दे आर गोइंग टू बी द डॉक्टर्स बच्चों, ठीक है. चलिए आ जाइए कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाँ जी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअली हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हवा अंदर जा रही है. अंदर जाने के बाद बच्चों उसमें से ऑक्सीजन किसको दे रहे हैं? टिश्यूज को दे रहे हैं, ठीक है. सो इन दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व. अब एक चीज समझो, राइट. सो ये है बेटा आपका थॉरेक्स, ये है आपका एब्डोमेन, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज बच्चों, आपके बॉडी से, आपकी मतलब कॉकरोच की बॉडी के लैटरल साइड में देयर आर सर्टेन ओपनिंग्स प्रेजेंट. कॉकरोच की बॉडी की लैटरल साइड पे देयर आर ओपनिंग्स प्रेजेंट. इस तरीके से यहां पर छेद प्रस्तुत होंगे. क्या होंगे? छेद प्रस्तुत होंगे. एंड इन ओपनिंग्स को आप क्या बोलते हो? स्पाइरिकल्स बोलते हो. क्या बोलते हो बेटा इन ओपनिंग्स को? स्पाइरिकल. साइडों पे मान लो अगर ये बॉडी है तो यहां पर स्पाइरिकल, देन नेक्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल, देन नेक्स्ट पेयर, दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी की लैटरल साइड पे आपको क्या मिलते हैं? पेयर ऑफ स्पाइरिकल. कितने मिलेंगे? सो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स. हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर देयर? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल. हाउ मेनी बच्चों? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, जिसमें से दो पेयर आपको कहां मिलते हैं? थॉरेक्स में. बचे हुए 8 पेयर कहां मिलेंगे? एब्डोमेन में, जिसमें से 2 पेयर्स दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन. ठीक है, एंड बचे हुए 8 पेयर दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन. एब्डोमिनल रीजन याद रहेगा, याद रहेगा. हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स? 10. हाउ मेनी टोटल स्पाइरिकल्स? कितने स्पाइरिकल्स थे? कितने थे बच्चों? 20 थे. 10 इधर और 10 आपके हो जाएंगे इधर, राइट. अब यही स्पाइरिकल को मैं ऐसे बना रही हूं. सो दिस इज वन स्पाइरिकल, ठीक है, विच इज लाइंड बाय ब्रिसल्स ऑल्सो. ठीक है, नाउ फ्रॉम ईच स्पाइरिकल अ ट्यूब विल स्टार्ट. हर स्पाइरिकल से बेटा एक ट्यूब चलेगी. ठीक है, इस ट्यूब के अराउंड काइटिन ने ऐसे रिंग्स बनाई हुई है, पहली चीज. प्लस बच्चे इस ट्यूब के अराउंड ना मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथीलियम है, राइट. इस तरीके से दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. क्या बोलोगे बेटा इसको? ट्रैकिया, विच इज लाइंड बाय सिंसिशियल एपिथीलियम. देन बेटा ये ट्रैकिया विल फर्दर डिवाइड इनटू फर्दर स्मॉलर ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स. क्या आ जाएगा बेटा यहां पर? ट्रैकियोल्स. और ट्रैकियोल्स बनेंगे आपके स्पेशल सेल से विच आर कॉल्ड एज ट्रैकियोलर सेल्स. ये पूरा आपका सेल है एक्चुअली में, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकियोलर सेल्स. दीज ट्रैकियोल्स दे आर फिल्ड विद ट्रैकियोलर फ्लूइड. ट्रैकियोलर फ्लूइड, ठीक है. सो दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल. ठीक है, और इस ट्रैकियोल के अराउंड आपको क्या मिल जाएगा? टिश्यू मिल जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टिश्यू. ठीक है, अब ये चीज समझो, कोई लैग नहीं है यार, तुम अपना इंटरनेट ठीक करो थोड़ा सा, थोड़ा सा ना अपना इंटरनेट ठीक किया करो, कोई लैग वैग नहीं है. अब एक चीज समझो, सो फॉर रेस्पिरेशन द एयर हैज टू एंटर इन, है ना, एयर को अंदर जाना पड़ेगा. कैसी एयर चाहिए इनको? ऑक्सीजन रिच एयर चाहिए. अब कॉकरोच हर टाइम तो देखो भागता दौड़ता नहीं है, हर टाइम तो तुम उसके पीछे नहीं पड़े रहते, कभी तो रेस्ट करेगा, है ना, कभी तो रेस्ट करेगा. सो एट नॉर्मल कंडीशन दो जो पेयर ऑफ स्पाइरिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, दे आर ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहेंगे, हवा अंदर आती रहेगी. लेकिन जब तुम उसके पीछे चप्पल लेके भागोगे, है ना, जब वो एक्टिव हो जाएगा, उस टाइम पर रेस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द स्पाइरिकल्स दे विल ऑल्सो ओपन, लेकिन वो बंद पड़े होते हैं. सो दैट मीन्स एट रेस्ट कौन कौन से पेयर खुले हैं? फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स दे आर ऑलवेज ओपन. ठीक है, दे आर ऑलवेज ओपन. बाकी के रेस्ट विल ओपन ड्यूरिंग एक्टिविटी, जब आप उसके पीछे दौड़ोगे उसको मारने के लिए, बाकी तब खुलेंगे. ठीक है बेटा, चलिए अब मान लो भाई कि रेस्ट का टाइम है, फर्स्ट और थर्ड पेयर खुले हैं, तो सबसे पहले हवा कहां से जाएगी? स्पाइरिकल. स्पाइरिकल से होती हुई किसके पास जाएगी? ट्रैकिया. ट्रैकिया विच इज लाइंड बाय सिंसिशियल एपिथेलियम. देन बच्चे ट्रैकिया के बाद वो हवा किसके पास जाएगी? ट्रैकियोल्स.
सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स, एंड ट्रैकियोल्स में क्या प्रेजेंट है आपका फ्लूइड, तो वो ऑक्सीजन रिच एयर ट्रैकियोलर फ्लूइड में डिपॉजिट होगी और ट्रैकियोलर फ्लूइड से डिफ्यूज होके वो ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगी, टिश्यूज के पास पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई और चीज नहीं है कि यार इस पे बैठ के ऑक्सीजन जाएगा, ना, ऑक्सीजन खुद से कहाँ तक जा सकता है, टिश्यूज तक जा सकता है। जब तक तो आपका रेस्टिंग स्टेज है तो धीरे धीरे करके फ्लूइड में से ऑक्सीजन जाता रहेगा टिश्यू के पास, लेकिन जब बच्चे उसकी जान पे बनाएगी, है ना, जब वो एक्टिव हो जाएगा तब इस फ्लूइड को उठ के जाना पड़ता है टिश्यू के पास। यस बच्चे, ठीक है, समझ आया इस चीज को? सो इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द टर्गो स्टर्नल मसल, जिसकी हेल्प से ब्रीदिंग होती है। टर्गाइट और स्टर्नाइट पे मसल्स जो है ना, उनको बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल। तो जब वो टर्गो स्टर्नल मसल रिलैक्स करेगी तो अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो हरवा अंदर। यस गाइस, हमारे वाला ब्रीदिंग मैकेनिज्म सेम, कि टर्गो स्टर्नल मसल ने रिलैक्स किया, रिलैक्स किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, गैस विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन आया, दौड़ा ट्रैकियोलर फ्लूइड के पास और पहुंच जाएगा आपके टिश्यूज के पास। यस, और जब टर्गो स्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो CO2 यहां से बाहर जा सकता है, जाता भी है, बट मेजर अमाउंट ऑफ CO2 ये उल्टे रास्ते से नहीं जाता है, मेजर अमाउंट ऑफ CO2 उनकी काइटिनस लेयर से ही डिफ्यूज होकर बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन का तो एंट्री पॉइंट यही है, लेकिन बेटा अगर बात करें CO2 की, इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द काइटिन वॉल, काइटिन वॉल से डिफ्यूज भी हो सकता है। पता चला बच्चों? यस, इज दिस क्लियर रेस्पिरेटरी सिस्टम? चलिए अब कुछ सवाल, चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सर्टेन क्वेश्चन, ये पहचान लो बच्चे। सलाइवरी ग्लैंड्स, रिजर्वायर, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, हिपैटिक सीके, मिजेंट्रॉन, मालपिजन ट्यूब्यूल, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, एंड लास्ट में आपका एनस, राइट? ये मैं कल कराऊंगी आपको, आ जाओ आप हमारी डीपीपी पे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन कर लो, बाकी मैं स्पेशल क्लास में करा दूंगी। फीमेल कॉकरोच में क्या नहीं होता? इट लैक्स एनल सर्काय, जेनाइटल पाउच, विंग्स और एनल स्टाइल, क्या नहीं होता? कम ऑन गाइज, फर्स्ट का आंसर दो। यस, कम ऑन गाइज। अच्छा, मेरी अगली स्पेशल क्लास होने वाली है कल मॉर्निंग में 10 AM पर, जिसमें मैं बायोब्लास्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आई विल टेल यू अबाउट इम्यूनिटी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि मैम इम्यूनिटी समझाइए हमें, तो वो एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम सिर्फ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, और एक टेस्ट होगा कल शाम को बेटा हम टेस्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो आपके टेस्ट में भी आ रहा है, व्हाट से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, सरप्राइज टेस्ट होगा। ओके, फीमेल कॉकरोच में क्या नहीं होता? देखो भाई, आपको पता है एनसीईआरटी ने बोल दिया है कि फीमेल स्टाइल नहीं मारती हैं, एनल स्टाइल नहीं होगा। ओके, इन द कॉकरोच द विंग्स दैट हेल्प्स इन फ्लाइंग आर, फ्लाइंग विंग्स कौन से हैं? कल बेटा कॉकरोच की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी इसी टाइम पर, क्योंकि कल हमने नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है। जो समझ नहीं आता, कितनी कोशिश कर लेते हैं बच्चे, नहीं समझ आता, खो जाते हैं बीच में, तो कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिटेल में होगा, जरूर आना कल की क्लास में। और कल कॉकरोच डन है, बिल्कुल डन। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? विंग्स दैट हेल्प इन फ्लाइंग, नीचे वाले कौन है? हाइंड विंग्स विच आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस। देखो, फोर विंग नहीं करते, यही इसका दूसरा नाम है, ये तीनों एक ही चीज है, ए बी और डी तो हो ही नहीं सकता। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉकरोच, इसमें से कॉकरोच है कौन, पहचानो। फेरिटिमा पोस्टिमा, राना टिग्रीना, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना और लम्ब्रिकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉकरोच, कॉकरोच है कौन? गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गए राज, वेरी अर्ली, अभी तो क्लास जस्ट हम खत्म ही कर रहे थे, है ना। कॉकरोच कौन है? पेरिप्लानेटा। देखो, फेरिटीमा तो अर्थफॉर्म होता है, राना टिग्रीना फ्रॉग है, लम्ब्रिकस बच्चे कौन है? चलिए नेक्स्ट वन, डॉर्सल स्क्लेराइट इन कॉकरोच इज कॉल्ड एज, डॉर्सली जो स्क्लेराइट है, देखो डॉर्सल ये वाली साइड है, वेंट्रल ये है, डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज टर्नम, प्लूराइट, टर्गम और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। यस बच्चे, कम ऑन गाइज,
डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज, क्या नाम रखोगे? फिफ्थ का आंसर दीजिए. मैंने बताया वेंट्रल तो आपकी बॉडी से मैच करता है. यू हैव स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड, सो दे हैव स्टर्नाइट ऑन वेंट्रल साइड, सो ऑब्वियसली द डॉर्सल वन इज गोइंग टू बी टर्गम, है ना? टर्गम, बिल्कुल ठीक. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. ये डीपीपी है बच्चों, जो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में कराती हूँ, टेलीग्राम पर मिलेगी, पहुंच जाना टेलीग्राम पर, ठीक है? हेड ऑफ द कॉकरोचेस बताओ, ट्राइंगुलर हाइपोगनाथस फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स. हेड ऑफ द कॉकरोचेज. मंथन का सिलेबस दिव्या, इस बार सिर्फ नर्वस सिस्टम आएगा, ओनली वन चैप्टर बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर. नेक्स्ट टाइम हम कॉकरोच और एंडोक्राइन करेंगे. ओके, यस, हाँ जी. हेड ऑफ द कॉकरोचेज भाई, ट्राइंगुलर तो होता है, मैम ने बताया था. हाइपोगनाथस भी होते हैं, उसके माउथ पार्ट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स, क्रेनियल प्लेट्स, जेना, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, ये भी था. दैट मीन सभी ठीक हैं. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. यस गाइज, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. एक होमवर्क दें आपको. अच्छा चलो बच्चे, ये आपका होमवर्क है. दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन. वैसे तो बहुत आसान दे दिया मैंने, बट देखते हैं कौन इस सेशन पे वापस आकर होमवर्क करेगा. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप देते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, नॉट इन द चैट सेक्शन. अभी मुझे कोई आंसर ना दे प्लीज. मुझे आंसर आप कब देंगे? कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन ओपन होगा सेशन खत्म होने के बाद. सो दिस इज होल योर डीपीपी गाइज. ये मैं आपको रोज डीपीपी देती हूँ, ठीक है? देख ही रहे हो, विद सोल्यूशन. दूसरी चीज, स्पेशल क्लास अपनी कल होने वाली है, सुबह 10 बजे इम्यूनिटी करेंगे एंड शाम को बच्चे सरप्राइज टेस्ट होगा 6 बजे. सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है. कहाँ दिखेंगी? ये दिखेंगी बच्चे मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल पर. मैम को क्या कर लो बेटा? फॉलो कर लो. यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी और सीप लाइव कोड यूज करके सारी फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो. दीज ऑल आर स्पेशल क्लासेस एंड दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? डीपीपी वुड बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल. मंथन का टेस्ट होने वाला है सैटरडे, इस बार ही आएगा आपको नर्वस सिस्टम. और बच्चे प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कोर्स. इनफैक्ट 2023 के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं. 2 ईयर कोर्सेज दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड, सो यू ऑल कैन टेक एडमिशन. क्योंकि 2 ईयर वालों का भी अभी समय आ गया है. अब 11th में आओगे ना, पेपर हो जाएंगे, फिर 11th में आओगे. हमने थोड़ा अर्ली बैचेस स्टार्ट भी कर दिए हैं. तो बेटा जो 2021 वाले हैं वो तो सब्सक्रिप्शन लेंगे 3 महीने का. ऑल दो आपके 4.5 मंथ्स रिमेनिंग है, बट 3 मंथ का लोगे, हम लोग उसको 4 मंथ बना देंगे, 4.5 मंथ बना देंगे, बट बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए. ये जिसको लेना है 2021 वाले, जल्दी लें. कोड मत भूलना मैम का, सीप लाइव कोड. दूसरी चीज़, जो बच्चे 2 ईयर वाले हैं, कितने हैं 2 ईयर वाले, मतलब 2023 वाले, वो तो यही वाला कोर्स लेंगे. और 1 ईयर वाले बच्चे, दे शुड गो फॉर दिस 1 ईयर कोर्स. इनफैक्ट अब तो 1.5 ईयर कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. तो डिपेंडिंग कि आप किस क्लास में हैं, आप उस हिसाब से कोर्स ले सकते हैं. बच्चे 10% ऑफ के लिए यू कैन यूज दिस कोड सीप लाइव, और इस कोड से आपको सबका सेशन दिखता है, सिर्फ मेरा नहीं. मेरे अलावा ऑल द बेस्ट टीचर्स ऑफ अन अकेडमी, कोटा के एजुकेटर्स, ऑथर्स, सब लोग अन अकेडमी के साथ associated है. you can study from them. अगर आप चाहते हो कि आपके पीछे एक कोच लगा दें, कौन लगा दें? एक कोच लगा दें. कैसा कोच? अगर बेटा आप चाहते हो आपके पीछे एक पर्सनलाइज्ड कोच दे दिया जाए, जो आपकी मदद करे, आपके लिए प्लानर बनाए, आपके ऊपर डंडा बना के रखे कि भाई काम क्यों नहीं किया, कर कर कर, तो वो चीज़ अगर चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, जिसमें प्लस के साथ साथ आपको कोच मिलता है. यहाँ पर भी आई एम अवेलेबल, ठीक है? आप सीप लाइव कोड यूज करके 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर का आइकॉनिक ले सकते हो. जो 2022 वाले हैं ना और 2023 वाले हैं, उनके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, बेस्ट. क्योंकि होता क्या है कि हमारे पहले तो बड़ी एनर्जी होती है, उसके बाद फुस हो जाते हैं, तो वो फुस नहीं होने देगा तुमको ये कोच, राइट बेटा? दूसरी चीज, आप आज का सेशन अच्छा लगा तो शेयर करो ना, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चलते रहना चाहिए हमारे चैनल को. फटाफट से 1 मिलियन पहुंचा दो एंड यूज हैशटैग नीट मंथन एंड हैशटैग क्रैक नीट विद सीप मैम. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 AM इन माई स्पेशल क्लास एंड 3:30 वी आर गोइंग टू यू नो कंप्लीट दिस कॉकरोच फुली. यस, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.